तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष, और सुदर्शन विशेष में हम बात कर रहे हैं अपने हुए पराए की, यानी कि उन वृद्धा आश्रमों की जहां पर बुजुर्गों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। अगर आंकड़ों की हम लोग बात कर लेते हैं तो देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनमें से 60% से भी ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं या तो वो अकेले रहते हैं या फिर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, यानी कि परिवार के साथ नहीं रहते। और अगर कुछ स्टेट वाइज भी इन तमाम चीजों की बात की जाए तो जो स्टेट जितना ज्यादा डेवलप है वहां पर ये जो आंकड़ा है उतना ही भयावह है। यानी कि जितना ज्यादा भौतिकतावादी होते जा रहे हैं, जितना ज्यादा आप डेवलप होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने सांस्कृतिक विरासत को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और ये हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। अगर पूरे देश की बात की जाए तो बुजुर्ग आबादी का छठा हिस्सा या तो अकेले रह रहे हैं या फिर पत्नी के साथ। कुछ राज्यों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो ऐसे बुजुर्गों की संख्या 30% है जो या तो अकेले रहते हैं या फिर अपनी पत्नी के साथ, जबकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में तकरीबन 20%। भारत में 60 वर्ष या इससे ज्यादा की उम्र वाली आबादी के लगभग 31% बुजुर्गों को अपने परिवार के सदस्यों की अवहेलना, अपमान और गाली गलौज झेलना पड़ता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि मुख्य रूप से प्रताड़ित करने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके अपने बेटे होते हैं। लड़का ने लड़के के साथ में मुझे रात को 11 बजे घर से काट दिया। जो मेरी बहन है आमन बिहार में उसके पास। तो किस तरह से कोई मारपीट भी आप लोगों के साथ की उन्होंने? मारपीट भी की, धक्का पकड़ के, नाड़ पकड़ के मैं उसके पास से काट दूं, मारपीट ही है। अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक बुजुर्गों को प्रताड़ित करने वालों में मुख्य रूप से उनके अपने बेटे 56% शामिल होते हैं। उसके बाद प्रताड़ना देने वालों में बहुएं 26% का स्थान है। 30% वृद्ध महिलाओं और 26% वृद्ध पुरुषों ने अपने पुत्र को मुख्य प्रताड़क बताया। वहीं 15% वृद्ध महिलाओं और 8% वृद्ध पुरुषों ने अपनी बहू को मुख्य प्रताड़क बताया है। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा की रिपोर्ट। दोनों अच्छे थे, वुमेन भी अच्छी थी। कुसुम ने आके मेरा सारा काम खराब कर दिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। किस तरह से आपके साथ वारदातें हुई हैं, क्या क्या घटना घटी है बताएं? मेरे को खाने को रसोई में नहीं घुसने देती थी वो। खाने का झूठा नाम ऐसे निकल के जा रही हो तो कहती है मेरे को मारा है। उसका बाप आया, उसका भाई आया, मेरे कपड़े भी चुरा के ले गए और ऊपर से झूठी करके मेरे लड़के से मुझे पटवा के बाहर फेंका और मैं उठ के फिर। ये वो दर्द है जो बयां कर रही है ये पीड़ित महिला, लेकिन आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से इन बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं या फिर ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ इस तरीके की जो हादसे हैं वो आए दिन पेश आते हैं। और ये हमारे समाज का एक वो आईना है जिसको हमको और आपको देखना है और समझना है कि आखिर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा क्यों बिगड़ गया है। राजेश्वरी जी, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं या जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, जब उनको जाकर के ओल्ड एज होम में रहना होता है या वृद्धाश्रम में जाकर के उनको शरण लेनी होती है, क्या इस तरीके की कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से भी चलती है कि इन लोगों को कुछ एड वगैरह दी जाए या इनको कोई सहायता प्रदान की जाए या फिर कानूनी रूप से इन लोगों की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कोई सरकार की तरफ से पहल की जाती हो? क्या इस तरीके की भी चीजें होती हैं, क्योंकि आप खुद इस तरीके का एक फाउंडेशन चलाती हैं, थोड़ा इन विषयों में भी मैं समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल होती है। हमारे देश में बुजुर्गों की स्थिति जो है दयनीय इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि कई बुजुर्गों को ये इन जो सरकार जो इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है आजकल उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। सरकार ने देखिए रेलवे में और अस्पतालों में और भी कई जगहों पर बुजुर्गों के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जहां तक ये मारपीट का सवाल है कि बेटों द्वारा मारपीट और बहुओं द्वारा मारपीट, इसके लिए भी सरकार ने हर पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग सेल बनाया हुआ है जहां पर इनका अपना एक वकील होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ता है। तो कई बुजुर्ग हैं जो जिन्हें इन बातों का पता ही नहीं होता है। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग आए
जिन्हें कि मैंने खुद बताया कि आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाइए जी। और इसी थाने में आपको एक बुजुर्ग सेल मिलेगा जहां पर कि आपको मुफ्त में सलाह भी मिलेगी। और तो मतलब ये जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं हर जगह ऐसा होता है या कुछ सिलेक्टेड ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पर ये बुजुर्ग सेल है? नहीं, जो सिलेक्टेड होते हैं जो उस एरिया के का जो एक मेन पुलिस स्टेशन होता है वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी जी। अच्छा, ये जो सरकारी एड वाले जो वृद्धाश्रम होते हैं जहां पर ये बुजुर्ग जाकर रहते हैं, वहां की स्थितियां कैसी होती हैं? क्या वहां पर जो स्थिति है वो और ज्यादा दयनीय देखते हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहां पर तो वेटिंग लिस्ट ही इतनी लंबी लंबी है कि जब तक जो पहले वाला बुजुर्ग है उसकी मृत्यु नहीं होगी तो दूसरे की बारी ही नहीं आती है। वहां पर तो वेटिंग लिस्ट है क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल है वहां पर। खाने की जो क्वालिटी है, जो रख रखाव की क्वालिटी है, वो सब बहुत ही दयनीय है। जी। चलिए राजेश्वरी जी, आप एक मनोचिकित्सक हैं, उस दृष्टि से भी मैं इस चीज को समझना चाहूंगा। ये जो तमाम समस्या है, समस्या क्यों है, इन तमाम चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है, लेकिन इसका सोल्यूशन अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो हमारे सोसाइटी के अंदर डेवलप ही ना हो, ये जो वृद्धाश्रम इनकी आवश्यकता ही ना हो, एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि जो युवा पीढ़ी है उसे जितना ज़्यादा हम बुजुर्गों का एक्सपोजर कराएंगे, उनको उनके साथ उनको बैठने का समय देंगे और उनकी इम्पोर्टेंस को बताएंगे कि यही आपकी जड़ है, यही आपकी नींव है जिस पर आप इमारत बनकर खड़े हुए हो, ये चीज़ बताना हमारे बच्चों में, बच्चों के दिमाग में इस बात को डालना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप अपने पेरेंट्स की नहीं कर रहे हैं तो बच्चा तो वही देख रहा है ना कि मेरे पापा मेरे दादाजी का केयर नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा ने मेरे दादाजी को ओल्ड एज होम में डाल दिया है, तो बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि ठीक है कल जब मेरे पापा बुजुर्ग बनेंगे तो मुझे भी उनको शायद उनके लिए कोई ऐसा ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो जो बच्चे हैं, जो आजकल की का भविष्य है कल का हमारे देश के, उनमें उनके दिमाग में इस बात को इनकलकेट करना होगा कि ये बुजुर्ग हमारे सम्माननीय सदस्य हैं हमारे घर के और इन्हें हम अपने से दूर नहीं रख सकते और इनकी उतना ही उनका महत्व है जितना कि एक नवजात शिशु का होता है। राजेश्वरी जी, अभी आपसे मैं चर्चा था तब आपने मुझे ये बात बताई भी कि कुछ तो ऐसे नौजवान आते हैं जो आपसे ये कहते हैं कि मैं अपने बुजुर्ग जो माता पिता हैं इनको छोड़ के जा रहा हूं या जो हमारे रिश्तेदार इनको छोड़ के जा रहा हूं, आप हमारे लिए भी एक सीट बुक करके रखिए क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। इन तमाम चीजों को जानने और समझने के बाद भी इन तमाम चीजों से सबक लेने की जो चीजें होनी चाहिए वो चीजों को सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तमाम चीजें क्यों हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखने को मिल रही हैं? बस वही है कि अपना जब खुद नहीं कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि मैंने जब अपने माँ बाप के साथ नहीं किया ये चीजें तो मेरे बच्चे भी यही सीख रहे हैं और कल को फिर उनके हो सकता है उनके बच्चों के व्यवहार से वो उन्हें पहले ही अनुमान हो जाता हो कि बस कल मेरी बारी है, आज मेरे पापा की बारी थी तो कल को मेरी भी यही दशा होने वाली है और वो फिर इसलिए वो मुझे हमेशा ही कहते हैं कि अच्छा यही हाल मेरा भी होने वाला है तो मुझे तो सीट ही नहीं मिलेगी, आज मेरे पापा को जो वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है तो मेरे लिए तो अभी से सीट बुक कर लीजिए। तो राजेश्वरी, जब इस तरीके के लोग आते हैं आपके पास या फिर जब आपके सामने इस तरीके के केसेस आते हैं तो क्या किसी तरीके की काउंसलिंग वगैरह करने की भी कोशिश आप लोग करते हैं, क्या समझाने की कोशिश या फिर कोई आपसी सुलह या समझौता हो जाए ताकि वो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को या जो बुजुर्ग हैं उनको ना छोड़े, क्या इस तरीके की कोई काउंसलिंग भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। हम लोग कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि ये वृद्ध हमारे पास ही रहे, हम लोग उनको समझाते हैं, उनके बीच में पैचअप कराने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि घर से बढ़िया बुजुर्गों को रहने के लिए कोई भी इस संसार में जगह नहीं है, घर घर ही होता है। जी जी। तो चलिए, तो समझाने की कोशिश आपकी तरफ से की जाती है लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाला प्रश्न यह है कि कितने जो नौजवान हैं उन तमाम चीजों को समझते हैं और उसके बाद अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखने को तैयार होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राजेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए और आपके एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो आज के इस अपने हुए पराये के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर कुछ नई सच्चाइयों के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।